Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everyone. Welcome to News Morning. सुबह ही सुबह आज तो अच्छा गुड मॉर्निंग हुआ होगा सबका ही, खास तौर पर लाहौर में रहने वालों का तो बड़ा ही खुशगवार मौसम की वजह से ना फ्रेश हो गए होंगे, मूड भी और दिन का आगाज़ इतना अच्छा होगा। अच्छा वैसे ये ठंडी ठंडी जो हवा है ना, ये सर्दियों के आने की आमद है। कल जितनी तेज़ बारिश हुई ना, दैट वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इतनी तेज़ बारिश होगी और मुसलसल तकरीबन अच्छा, इससे पहले हम लोग कन्फ्यूज थे कि गर्म कपड़े निकालें या ना निकालें, लेकिन रात के बाद अब जितना वेदर चेंज हुआ है तो अब फील हो रहा है कि गर्म कपड़े अपने निकाल लें। अच्छा मुझे लगता है कि अभी भी गर्म कपड़ों वाला मौसम नहीं आएगा, अभी भी ये तकरीबन आ चुका है। हाँ ये थोड़ी गर्मी रहेगी अभी भी। अच्छा यहाँ पे शायद फिर थोड़ी देर गर्मी चल पड़े, लेकिन शुमाली इलाका जात में मौसम सरमा है उसकी पहली बर्फबारी का आगाज हो चुका है, तो शुमाली इलाका जात में तो कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। हाँ लाहौर में कह सकते हैं कि मौसम जरा तेवर बदलता रहेगा, गर्मी आएगी फिर जाएगी, बट रात को ठंड काफी थी, रात इवन के फैंस तक बंद करके सोना पड़ा ना, और मैंने फिर भी एसी ऑन किया हुआ था। आपकी क्या बात है, आपको ज्यादा गर्मी लगती है, बट फिर भी वेदर काफी हद तक चेंज हो गया। टेम्परेचर 27-28 पर था, बट स्टिल माय एसी वाज ऑन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दम घुट जाएगा अगर एसी बंद हो गया, फैन ऑफ होगा ना, क्योंकि मेरा रूम का दरवाजा तो ओपन ही होता है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का यही तो एक नुकसान है। लेकिन फिर भी मौसम बहुत अच्छा हो गया। एग्जैक्टली मौसम बहुत अच्छा हो गया, और जितनी तेज बारिश हो रही थी ना कल रात को, लेकिन दुख की बात ये थी कि बारिश आप अंधेरे में देख नहीं सकते थे, फीडर स्ट्रिप हो गए जनाब हमारे और लोड शेडिंग। यही मसला है, बारिश अपने साथ बड़ी दीगर जो है ना मसले मसाइल भी लेकर आती है। अच्छा मौसम ने तो अपने तेवर बदल लिए हैं, लेकिन भारत ने अपनी हर धर्मी नहीं बदली है। भारत का जो रवैया है वो बदलने का नाम, चले अब तो आप वर्ल्ड कप के मेजबान हैं तो आपको थोड़ा दिल बड़ा कर रवैया बदल लेना चाहिए, दिल बड़ा कर लेना चाहिए, लेकिन अब तो इंतहा हो गई है। शुरू से लेकर हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ जो रवैया रखा गया, अब जो पाकिस्तान की प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास, उनको मजबूरन भारत की हरकतों की वजह से अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए मजबूरन जो है ना भारत को छोड़ना पड़ा है। आईसीसी का इवेंट कवर करने के लिए वो इंडिया में मौजूद थे, डिपोर्ट किया गया आई थिंक उन्हें कहा गया। अच्छा डिपोर्ट किया गया, लेकिन अभी तक इसकी इत्तला नहीं आ रही। हाँ। लेकिन डिपोर्ट किया गया हो या वो खुद छोड़ के कहीं हो, आईसीसी ने तो इस चीज की तर्दीद की है, लेकिन बात यह है कि नौबत क्यों आई, आखिर वो वर्ल्ड कप के लिए वहां पर गई है ना, अगर वो खुद भी उन्होंने छोड़ा है या डिपोर्ट किया गया है तो ये भारत की मेजबानी पर, भारत के रवैये पर बड़ा सवाल या निशान है। क्योंकि वहां के एक वकील हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि ज़ैनब अब्बास पर भारत मुखालिफ ट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, फिर उनको धमकियां भी मौसूल हो रही थी, तो ऐसी हालत में तो फिर बंदा क्या करे। भारत ने तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, लेकिन ये भारत के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि ये है आपकी मेहमान नवाजी। एक मेहमान अगर आपके घर आया है और वो आपकी इन हरकतों की वजह से मजबूर होकर भारत छोड़ने पर मजबूर हुआ है, तो ये तो आईसीसी को सोचना चाहिए। अच्छा आई थिंक वो मेहमान आपके घर आया और फिर आपका ही जो मेजबानी का इवेंट है उसकी कवरेज के लिए आया, कोई अपने पर्सनल मफाद के लिए या वहां पर कोई अपने जो है वो स्टे के लिए नहीं आया था, कोई पर्सनल विजिट नहीं था, ये ऑफिशियल विजिट था। और जो आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, उसकी कवरेज आई थी। और शी इज वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और कमेंटेटर भी है, और वो आईसीसी के सारे इवेंट्स बहुत देर से कवर। लेकिन सबके भारत से तो चले जो कुछ तवक्को थी वही कर रहा है। आईसीसी कहां पर खड़ा है, आईसीसी की ज़ेरे निगरानी में तमाम तर वर्ल्ड कप हो रहा है ना, आईसीसी को चाहिए कि मेक श्योर करें कि भारत जैसी हरकतें कर रहा है, जो मेहमान वहां पर आए हैं उनको किसी किस्म का मसला ना हो। भारत तो बिल्कुल एक शुतर बेमहार, कोई पूछने वाला नहीं है जो अपने मेहमानों के साथ सलूक कर रहा है, तो दुनिया को चले कम अज कम भारत का ये जो एक घटिया चेहरा है ना, मकरू चेहरा है, वो देखने का जो है ना पूरा मौका मिल रहा है कि ये है भारत की असल हकीकत। एनीवेज आज की हाइलाइट्स जी हमारी क्या होंगी, क्या क्या इश्यूज पर हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में, हाइलाइट्स में जानिए। हैदराबाद के मैदान में शाहीनों का इम्तिहान, साउथ शकील सुरखरू होंगे या कामरान होंगे मोहम्मद रिजवान, शाहीन कैसे करेंगे लंका ढाने का सामान। नवाज शरीफ की वतन वापसी, बढ़ गए आम इंतखाबात के इम्कान, इलेक्शन मुहिम का आगाज, क्या होगा नून लीग का मुस्तकबिल का प्लान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा,
क्या होगा? पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता, निगरान हुकूमत के लिए आवाम को रिलीफ देना मुअम्मा बन गया। बाप का रवैया या माँ से पहुंचता है सदमा, नौनिहाल क्यों करता है गुस्सा। और आपको बताएंगे कि खाने से शुगर का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो जनाब, ये तो हाइलाइट्स आपने मुलाहिजा की, जरा आपसे दोबारा से मैच की बात कर लेते हैं। तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में मदे मुकाबिल होंगे। पहला मैच देखने के बाद मोराल तो काफी हाई हुआ है। श्रीलंका का और पाकिस्तान का मैच है और उसके बाद पहला मैच तो हम जीत गए थे, तो उसके बाद हमारी उम्मीद है कि दूसरा मैच भी हम जीत जाएंगे। और फिर आपको पता है कि श्रीलंका की टीम से तो हम एशिया कप में अभी ताज़ा ही मदे मुकाबिल हुए हैं, तो फिर उसके बाद ये है कि अब देखना यह है कि वर्ल्ड कप में अब श्रीलंका के साथ क्या पाकिस्तान जो अपना रिकॉर्ड है वो कायम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन देखना यह है कि क्योंकि श्रीलंका का भी टीम जो है वो इतनी हल्की नहीं है, और अभी श्रीलंकन टीम से हमने हालिया एशिया कप में बड़ी जो है वो मैच खेले भी हैं, तो टीम की स्ट्रेटजीज जो दोनों प्लेयर्स हैं वो दोनों एक दूसरे की वीकनेसेस प्लस पॉइंट्स टीम की स्ट्रेटजी को समझते हैं। कोई इतना सरप्राइजिंग दोनों टीम्स के लिए नहीं होगा। हाँ, सरप्राइजिंग सिर्फ ये होगा कि जो पिच है, जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्राउड डिफरेंट होगा, लेकिन जो डेड पिचेस तैयार की जा रही हैं जिसमें बॉलर जो हैं उनकी खूब मारपीट हो रही है और उनकी खूब धुलाई हो रही है, क्योंकि कोई भी बैटर जो है ना वो चौके और छक्के के बगैर तो किसी बॉलर को किसी भी ओवर में जाने नहीं दे रहा है, और बड़े बड़े रिकॉर्ड वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में बनाए जा रहे हैं। तो आज का मैच इंतहाई अहम है, और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच होने जा रहा है, तो फिर आज के मैच की जीतना अपनी ढाक बिठाने के लिए और इंडियन टीम्स में थोड़ा अपना रोब जमाने के लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि आज का मैच बड़े अच्छे स्कोर से हम जीतें और एशिया कप में अपनी शिकस्त का बदला भी लें श्रीलंका से। ये आज का मौका है। इरफान जहीर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इरफान, बताइएगा, आज पहला मैच होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है वक्त है बदला चुकाने का श्रीलंका से? पहला मैच कैसा रहेगा श्रीलंका के खिलाफ, क्या देख रहे हैं आप? वैसे तो यही बात हो रही, टक्कर अगर आता तो हर टीम की तरफ जाएगा, बट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान शायद अगर टॉस जीतेगा तो प्रेफर करेगा, क्योंकि बैटिंग थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाती है सेकंड पार्ट में। और हमने जैसे एशिया कप का जो मैच था चेस करते हुए हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, पर कंडीशन एंटायरली डिफरेंट थी, ये कंडीशन हमने देखने डिफरेंट है। इधर जैसे मैंने कहा ड्यू फैक्टर की भी पॉसिबिलिटी है, तो पाकिस्तान बैटिंग पहले के लिए। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा बेहतर है, किस पर बढ़तरी आपको नजर आएगी, कि किस कौन सी टीम किस पर ज्यादा हावी हो जाएगी बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी? अब बिल्कुल अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान इज मच फार बेटर टीम देन श्रीलंका, और हम जैसे रैंकिंग में भी नंबर 2 पे हैं, और वैसे भी अगर देखा जाए कंपोजिशन भी बेहतर है। आज दो के एकदम से एशिया कप के अंदर हमने जोल्ट खाया, बट वो जोल्ट अगर देखे तो श्रीलंका ने भी बहुत बुरा खाया है। वो जिस तरह का फाइनल हारे हैं 50 रन पे ऑल आउट हो गए थे इंडिया के अगेंस्ट, और इस तरह पहले मैच में भी उनको अगर हम देखें तो 50 रन किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया अफ्रीका ने, तो उनकी भी बैटिंग और बॉलिंग जो है कुछ भी खास नहीं कर रही। हर तरफ श्रीलंका एक ऐसे बैटर है या कुशाल पेंडिस जो कुछ रीजनेबल फॉर्म में है, बाकी अगर पूरी टीम को आप देखेंगे प्लेइंग 11 को तो सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमारी जो कि हमारा भी टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, बट मिडल ऑर्डर बेहतर है, लास्ट टाइम पेसर ने बॉलिंग की, स्पिनर को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया। अच्छा इरफान, ये बताइएगा, हमेशा से ये एक रवायत रही है या रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का कि वर्ल्ड कप में आज तक श्रीलंका पाकिस्तान से कोई मैच नहीं जीत सका है, तो आपको लगता है कि ये रवायत ये रीत बरकरार रहेगी या श्रीलंका में अपसेट कर सकता है? ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बड़ी जिंक्स हैं, जैसे अगर हमने इंडिया को कभी नहीं हराया, श्रीलंका ने हमें नहीं हराया, और इसी तरह अगर हम देखें तो चौकस कहलाता था अफ्रीका, इसी तरह फाइनल की बात करें तो न्यूजीलैंड टाइटल नहीं कभी पाया, तो ये 3-4 ऐसी चीजें हैं रिलेट कर सकते हैं आप।
बट ये मेरा मानना है कि जैसे क्रिकेट होनी कभी ना कभी नहीं है, जैसे T20 में हमने भारत को हरा दिया, वो एक दफा तो हो चुके थे, तो बट अभी तक अगर स्टैट बेस या रैकेट बेस हम बात करते तो यस पाकिस्तान अभी तक से नहीं हारा और हमारी पर इरफान आप ये देखिए कि हमारे जो बेस्ट और वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं शाहीन आफरीदी, वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे, आखिर क्या देख रहे हैं आप उनकी परफॉर्मेंस अभी तक के जो मैचेस हुए हैं? देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके फिटनेस के इश्यूज हैं, वो भी जब हम देखते हैं तो स्पेस पे पॉइंट से बॉलिंग करते तो नहीं आ रहे। दूसरा आजकल हम रणवीर राजा के साथ हम काम कर रहे हैं तो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो इंडिया में है तो बता रहे थे कि उनकी थर्ड फिंगर जो है वो इंजर्ड और स्वेलिंग है, ऑब्वियसली जब आपकी इंजरी होती है और आप जब बॉल करते हैं तो थर्ड फिंगर का बहुत रोल होते हैं, तो उन्होंने बताया कि उसमें इम्प्रूवमेंट तो आई है बट अभी 100% उससे भी रिकवरी नहीं आई क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम होती है आप वो लगाते हैं या इस एंगल के साथ बॉल अंदर लाते हैं तो अगर आपकी फिंगर पर प्रॉब्लम नहीं है स्वेलिंग है ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं बैकअप द माइंड या पेन का एलिमेंट आता है। मेरा ख्याल है अगर इम्प्रूव हो गया थोड़ा होगा, ये नी इंजरी है जो कई साल तक लेके जाती है, नी इंजरी इस तरह नहीं है कि आपको दो चार मंथ में रिकवर हो जाए, आपको अब तो खैर काफी टाइम हो गया साल के उनकी इस इंजरी को ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आएगी बट तब तक वो जो पुराना रिदम था 140+ नॉल बॉलिंग कराते थे और जितनी ज्यादा पेस होगी और उसके साथ जब स्विंग मिलेगी तो बैटर के लिए खेलना मुश्किल है। पेस अगर 5-10 नॉल आ जाए तो अगर आपका स्विंग हैवी है तो बैटर को मैनेज कर सकते हैं, तो यही बहुत एक रीजन लग रही है। बट मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली मैच टू मैच वो इम्प्रूव होते जाएंगे और हमारा एफर्ट है सबसे मेन बॉलर से कह सकते हैं राइट। फखर जमान, इरफान व्हाट डू यू थिंक? फखर जमान वो भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही हैं, तो उनकी जगह अगर अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया जाए तो ये सही राइट डिसीजन होगा? ये बिल्कुल ये डिबेटेबल बात है और इस पे बात की जा सकती है, ये डिपेंड करता है थिंक टैंक का कैप्टन और कोच क्या कैसे सोच रहे हैं। फखर जैसा एक बैटर ऐसा है जो मैच विनर है, वो ऑन द गिवन डे आप कुछ भी करके दे सकता है, अगर वो अकेला खड़ा हो जाए मैच जिता देता है उसमें। फिर दूसरी चीज तो मैं सोच रहा हूँ ये टीम में क्यों रखा जा रहा है, इसी वजह से रखा जा रहा है कि अगर बैटिंग विकेट होगी तो ये टीम दूसरी ऑपोजिशन 350-350 भी आपको लगा सकती है, तो फखर एक ऐसा बैटर है जो 300+ पाकिस्तान ने चेस करना हुआ तो चेस कर सकता है। बाकी जितने बैटर हमारे हैं उनकी स्ट्राइक रेट 100 से कम है, तो जब आपने 300+ करना है तो स्ट्राइक रेट आपका 100 से बिलो है तो आपको मुश्किल आ जाती है। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग लग रही है चेंज तो करना चाहिए, अब्दुल्ला शीख के साथ जा सकते हैं बट मेरा ख्याल है कि 3-4 मैच अभी फखर को दिए जाएंगे, जो कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा है एशिया कप में भी कैरी किया इधर भी, शायद उसके बाद अगर परफॉर्म करते तो ठीक है। अच्छा इरफान ये बताइएगा कि हैदराबाद में 10 दिन से हमारी टीम मौजूद है, पहले प्रैक्टिस मैचेस भी हमने यहाँ पर खेले, फिर पहला मैच भी हमने यहाँ पे जीता, तो इसका एज होगा हमें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये आप जब क्लाइमेटाइज हो जाते हैं किसी कंडीशन के साथ और आप उधर खेलते भी हैं, पिच का भी आपको आइडिया है, आपको वेदर का भी है, आपको पिच का भी क्रिकेट का पता चल चुका है और आपको आउटफील्ड का भी सामो आइडिया होता है, ड्यू कितनी आती है, आप डेली देख रहे होते हैं, तो जब आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्पफुल होती है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत पाकिस्तान को फेवर करेगी। बट ऑन द गिवन डे जो अच्छा खेलता है नॉर्मली वही जीतता है, बट ये छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जो कि आपकी जीत में मददगार साबित होते हैं, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए है अगर हमने श्रीलंका को शिकस्त देनी है? देखिए जैसा एक तो चीज मैंने कहा कि अगर टॉस जीते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी साइड चेस के लिए जाएगी, एक तो वो है, दूसरा ये है कि इसमें स्पिनर के लिए भी मदद है पेस अटैक के लिए, तो स्पिनर बॉलिंग कॉम्बिनेशन तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये चेंज करेंगे, इसी के साथ जाएंगे 3 पेस अटैक और 2 स्पिनर के साथ। बाकी है कि हम आउट क्योंकि अर्ली विकेट जल्दी गवा देते हैं तो हमारा जो पावर प्ले का यूटिलाइजेशन चाहे T20 की बात करें ODI पे वो कर नहीं पाते, वो किसी तरह देखना पड़ेगा। पहले हमारी जो नंबर 1 भी बने रैंकिंग में उसी वजह से बने कि तीनों जो ओपनर थे हमारे ऊपर के बैट्समैन दोनों ओपनर और बाबर ये कंटिन्यूसली लास्ट 1.5-2 साल से रन कर रहे थे, अब जो है वो तीनों ही रन नहीं कर रहे, हम तो फखर की बात कर रहे हैं ना, अभी फॉर्म की देख लें एशिया कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इधर वर्ल्ड कप के जितने वार्म अप मैचेस देख रहे हैं या पहला मैच देख रहे कोई परफॉर्मेंस नहीं उनकी भी, आज दो के बाबर की भी एक मंथ है उसके अलावा बाबर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अगर आप पूरा एशिया कप भी उठा लें या पहला मैच भी उठा लें तो कंसर्न तो आपकी कई जगह पे। अच्छा इरफान ये बताइएगा कि आगे पाकिस्तान को भारत से भी मैच खेलना है, प्रेशर तो है
नर्व्स की इस गेम पर कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह हम अपने प्रेशर को टैकल करेंगे? देखिए यहाँ हमारा मोराल काफी नीचे था, जिस तरह पहली विक्ट्री में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, लड़के थोड़े हमने देखा बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे थे, खासतौर पर बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ आपके जो बॉलर थे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखे तो काफी बेहतर नजर आई। तो अगर हम कल का मैच जीतते हैं, कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, तो डेफिनेटली ये मोमेंटम आपको जो है वो पीक की तरफ लेके जाएगा, और जब आप क्रिकेट में पीक करते हो तो ये पीक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम कल का मैच जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस लड़कों का हाई होगा, भारत आज दो के मैच जीता ऑस्ट्रेलिया से, बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि उनके टॉप ऑर्डर ने स्ट्रगल किया, तो वो भी उनका मेंटल ब्लॉक हो सकता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाता है। एब्सोल्युटली आपने सही कहा है। लेकिन अगर ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो कि पाकिस्तान को टफ टाइम देख सकती हैं? देखिए ये ऐसी कंडीशन है, कंडीशन वेरी करेगा, टीमों से ज्यादा कंडीशन वेरी करेंगी। जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच देखा है, फ्लेचर्ड विकेट है जहाँ स्पिनर के लिए या फास्ट बॉलर के लिए इतनी मदद नहीं है, प्योर बैटिंग पैराडाइज है, फिर तो ये यूरोपियन साइड आपको बहुत मारेंगी है, जितनी गोरी साइड जिन्हें कहना चाहिए फॉरेन साइड पे इंग्लैंड आ जाता है, साउथ अफ्रीका आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ये तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन जहाँ पे बॉल बहुत फंसता है, प्रॉब्लम आती है, जैसे चेन्नई में हमारा मैच है अफगानिस्तान के गेंस, तो अफगानिस्तान आपके बॉलिंग में स्पिन डिपार्टमेंट में दुनिया की सबसे खतरनाक साइड है, तो हमें वो बॉदर कर सकती है। तो ये आपकी कंडीशन क्या उनके ऊपर ही बहुत मैटर करता है। हर 10 की 10 टीमें अच्छी हैं, ऑब्वियसली आई हैं, बट ये जो 3-4 टीमें मैंने ऐसे कहा, भारत के साथ मैच तगड़ा होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ये 4-5 मैच तो बहुत ही आपके तगड़े होंगे, बट जैसे मैंने हैविंग सेड दैट कंडीशन और उनके ऊपर ही बहुत मैटर कर रहा है। ये बताइएगा आज के मैच में अगर आपसे ऑनेस्ट ओपिनियन ली जाए, ये उसके साथ बहुत जी, अगर आज के मैच में आपसे ऑनेस्ट ओपिनियन ली जाए तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम फेवरेट होगी? जैसा मैंने कहा ऑब्वियसली पाकिस्तान फेवरेट है, हमने 10 दिन भी आपने जैसा बताया इधर हो चुके हैं, एक मैच भी खेल चुके हैं, मेडियो फैक्टर का भी अंदाजा है, पिच का, ग्राउंड का, उसका भी आइडिया है, हमने आज का मैच भी लड़कों ने बड़ा क्लोजली देखा होगा, तो हमें एडवांटेज ज्यादा, और वैसे भी टीम कंपोजिशन या ओवरऑल टीम देखें हमारी ज्यादा बैलेंस नजर आती है। बट जैसे मैंने पहले कहा गिवन डे पे आपने परफॉर्म करते हैं तो फिर आप जीतते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बावजूद हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, टॉस आपके कंट्रोल में नहीं होता, बट अगर टॉस जीते हैं तो आप उसमें बेशक उनको पहले खिला के उसका वेयर टेयर का फायदा उठाएं, जो थोड़ा बहुत आपको ड्राइव पिच होने के बाद ग्रिप मिलती है, एक्स्ट्रा स्पिनर को यूज़ करना चाहिए, पेस बॉलर को हमने शुरू में देखे थे 3-4 ओवर शुरू में, रात का मॉइस्चर जो होता है विकेट में वो भी आपको हेल्पफुल हो सकता है, तो ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान कैप्टन कर सकता है। अगर नहीं भी आप टॉस जीते और वो चेस की तरफ जाते हैं फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है, आपने देखा कि जैसे श्रीलंका के गेंस बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ा रन लगा दिया टोटल, तो आप अगर टॉस जीते तो कोशिश आपको करनी चाहिए कि 350-350 करें, क्योंकि श्रीलंका को हमने देखा कि गेंस चेस करते हुए 350 बनाए, बट हमारी बॉलिंग मेरा मानना है कि बहुत बेहतर है साउथ अफ्रीका से, right. तो चलें अल्लाह करे ये बॉलिंग बेहतर ही और लास्ट मैचेस वाला हाल ना हो, और उम्मीद करते हैं कि हम इस शिकस्त का बदला जो एशिया कप में हमें श्रीलंका से हुई है इसका बदला चुकाएंगे। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। अच्छा मैचेस के तो हमने बात की है, इससे पहले हम भारत की मैनेजमेंट, भारत की मेजबानी, भारत के इंतजाम पर बात करते रहे हैं, कुर्सियों का हाल भी हमने लोगों को दिखाया जो स्पेक्टेटर्स से वहाँ पे उनके लिए बैठने का जो हाल था, लेकिन अब ग्राउंड का भी जो हाल है, भारत का धर्मशाला स्टेडियम है ये, वहां पर धर्मशाला स्टेडियम में इतनी अनबैलेंसी ग्राउंड है कि वहां पे कई बड़े खिलाड़ियों की इंजरी का भी खतरा है। जो पहला मैच हुआ था अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, उस दौरान भी बहुत संजीदा ये देख रहे हैं आप, ये देखें ये जरा मनाजिर देखें, इतनी जमीन जो है वो इतनी गदली जमीन है कि इस पे जो फील्डर है वो भाग नहीं सकते हैं। जोस बटलर जो कि इंग्लिश कप्तान है, उनका आज मैच है यहाँ पर, उन्होंने तो बड़ी जो है ना वो हैरानकुनी का इजहार किया है, इतने हैरत का इजहार किया है, इस किस्म के ग्राउंड में हमारे फील्डर्स अगर भागेंगे तो उनको कोई सीरियस किस्म की इंजरी हो सकती है, और बड़े सख्त रिजर्वेशन उन्होंने शो किए हैं। और आप अंदाजा लगाएं ये कोई आईपीएल नहीं है, ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इतनी खराब आउटफील्ड है कि जो खिलाड़ी हैं उनकी इंजरी का खतरा है। अब आप देखेंगे वर्ल्ड कप की अगर आपको मेजबानी मिली है और बाकायदा से स्केड्यूल होता है, अचानक तो नहीं हुआ, तो आपकी ग्राउंड के अंदर तो मैनेजमेंट अपनी बेहतर कर ले, स्टेडियम आपका इतना गंदा है, वहां पे खिलाड़ियों को उनकी इंजरी का खतरा है,
तो बाहर की हम बातें कर रहे थे, जो चेयर्स का हाल है, जो इनकी मेजबानी का हाल है, यहाँ तो ग्राउंड का भी बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ। आज इस फील्ड में जो बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीम है वो आपस में टकराने जा रही है, और जोस बटलर ने कहा है कि तमाम फील्डर्स बहुत ज़्यादा एहतियात करें, किसी भी किस्म की इंजरी से बचें, और बड़े सोच समझ के जो है ना वो अपने पांव रखें, क्योंकि इतना ये गदली ज़मीन है और इसमें इतना कीचड़ है, असल चीज़ कि आप ये स्लिप हो सकते हैं। ये जैसे ये अभी स्क्रीन पे ये देखें ना कि एहतियात क्या हो सकती है, वर्ल्ड कप का मैच है तो इसके लिए तो आप जान की बाजी लगाने को तैयार होते हैं, बट अगर इंजरी होती है इनकी इस खराब आउटफील्ड की वजह से तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? भारत बड़ी दावे करता है, स्लिप हो सकते हैं, आपकी इंजरी, आपकी खुदा ना खास्ता कोई हड्डी टूट सकती है इस तरह गिरने से। तो ये तो जनाब साहब भारत के वर्ल्ड कप का हाल है, और शायद शायद कोई आईसीसी को अब कोई होश के नाखून ले लेने चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ। ऐसे इंडियन मीडिया देख ले तो वो ऐसे जश्न मना रहा होता है, पाकिस्तान के अंदर बहा दिया है वर्ल्ड कप की मेजबानी लेके, लेकिन ये वर्ल्ड कप की मेजबानी का हाल है, और हमें एशिया कप की आपने मेजबानी दी नहीं थी, जेलस होके। एनीवेज वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कुछ सियासत की बात करें तो नवाज शरीफ की वापसी जो है वो सरे फहरिस्त, और नवाज शरीफ की वापसी में अभी कुछ टाइम तो है, अलबत्ता नवाज शरीफ सऊदी अरब ज़रूर पहुंच गए हैं, और इतलात ये हैं कि वहां पर वो तकरीबन कोई 4 से 5 दिन क़याम करेंगे, अहम मुलाकातें वहां पर होंगी सऊदी वफद से भी, सऊदी वलीहद से भी, और कुछ मशवरे भी होंगे, कुछ पाकिस्तानी सियासत पर भी बात होगी, और उसके बाद जब अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, स्टिल द वर्ड इज़ इफ़, अगर वो वापस आते हैं तो फिर उसके बाद जो अपनी तकरीर होंगी, जो वो आवाम का लहू गरमाएंगे, उनका जो मेन तकरीर के अंदर एजेंडा होगा वो होगा इकॉनमी, कि इकॉनमी को बेहतर करने के लिए पीएमएलएन अगर इक्तदार में आती है तो क्या होगा, ना तो कोई मुजाहमत होगी, ना ही कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा वो होगा सिर्फ इकॉनमी पर। अच्छा, इकॉनमी पर तो फोकस होगा, लेकिन सवाल ये है कि इकोनॉमी से पहले इस चीज़ का वो कैसे काउंटर करेंगे जो 16 माह की गवर्नमेंट थी, उसके लिए आवाम को क्या जवाब देंगे और नैरेटिव इस पर क्या बिल्ड करेंगे? नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। नासिर साहब, क्या लगता है आपको, मियाँ साहब के साथ अभी भी इफ एंड बट्स लग रहे हैं, ये बता दीजिएगा वो आ रहे हैं, हतमी फैसला हो चुका है, और अगर वो आ जाते हैं तो आपको लगता है ये जो इकोनॉमी को बुनियाद बनाकर आवाम के पास जाएंगे तो इससे कुछ ना कुछ आवाम में कोई पजीराई होगी, कोई नैरेटिव उनका आगे चलेगा? थैंक यू। मैं यही सोच रहा था जब आप पूछ रहे थे कि नैरेटिव क्या होगा। देखिए, सबसे पहला जो है उनको ये तासर ख़त्म करना पड़ेगा जी, कि वो डील के तहत आए। एक जो ख़तरनाक तासर बन रहा है पूरे पाकिस्तान में, और जिसकी वो तर्दीद भी नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि डील हुई है उनकी, उसके तहत आए, और तीसरी डील है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसके तरिए वो आ रहे हैं, और ये मैं डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए जो भी है पाकिस्तान में छोट ज़्यादा नहीं है उनके लिए बड़ा मसला है, ये समझना पड़ेगा। ये जो सियासी मैच पाकिस्तान में पड़ा है चुगताई साहब, इसके बारे में जरा प्लीज बताइए, ये टॉस कौन जीतेगा? ये टॉस जीते बगैर मुस्लिम लीग नून बैटिंग करने के लिए खड़ी हो गई है, बैट कर दी है उसने खुद से ही फैसला कर लिया है, खुद ही फैसला कर लिया उन्होंने, और शायद पीछे हमारा एम्पायर भी मिले हुए हो, शायद एम्पायर भी, हमारा एम्पायर न्यूट्रल नहीं है, थर्ड एम्पायर भी हो और उसने भी फैसला किया हो, लेकिन बॉलिंग किस तरह की होगी देखना पड़ेगा। बॉलिंग के लिए मसाइल बहुत ज्यादा है, ये जो हम बात सुन रहे हैं ना रोजाना जलसों में, और जलसे बड़े मजे के हैं, आप देखें ना मैनेजमेंट ऑफ सीटिंग जो है बड़े मजेदार है। सर वलीमे का मंजर लग रहा होता है, टेबल पर खाना पहुंचता है, राउंड टेबल्स पर, राउंड टेबल लाउंज बने हुए बाकायदा, जहां पर 5 आदमी बैठ सकते थे वहां पर 3 या 4 बैठे हुए हैं। तो गुड, वेरी गुड फॉर ड्रोन शॉट, इट इज वेरी गुड मैनेजमेंट। तो अब ये मैनेजमेंट भी हो गई, टॉस का मसला भी खत्म हो गया, और ये भी तय हो गया कि जी आपको 2/3 तो खैर नहीं मिलेगी, आपको ही भूल जाइए, 2/3 तो नहीं मिलती, मेजॉरिटी शायद मिल जाए आपको किसी ना किसी तरह। तो अब मसला ये है कि एक तो मैंने जैसे अर्ज किया कि डील का तासुर ख़त्म करना पड़ेगा आपको, दूसरा जब आप बातें कर रहे हैं ना शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, और बहुत अच्छी बातें, वाकई बहुत अच्छी कारकर्दगी थी 2017 में
17 तक, मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार कहा है, एडमिट करते हैं हम लोग कि सब करते हैं सिवाय पीटीआई वालों के, कि ग्रॉसरी की कीमत तक बहुत कम थी, पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर प्राइस, एम्प्लॉयमेंट रेशो वगैरह वगैरह सब ठीक था। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क था, रहने के काबिल मुल्क था, जहाँ गरीब आदमी रह सकता था। अब क्या होगा, अब सूरत हाल ये है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है जो आपको आपके पास दस्तियाब था, आपको कर्जे पे कर्जा लेना पड़ रहा है, कर्जा पे भी करना पड़ रहा है आपको, और उस पर सूद भी देना पड़ रहा है, और सूद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि ज़ाहिर है कर्जा हमने बहुत लिया हुआ है, और पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी बेतहाशा कर्जे लिए, तारीखी कर्जे लिए उन लोगों ने, और तेलिए के दबा के इनको रख दिया। अच्छा, अब कीमतों का जो सबसे सेंसिटिव बात क्या है, बात यह है कि आप बहुत सी बातें कर जाते हैं कि मेरा इंडेक्स इतना बढ़ गया, गोल्ड कितना कम हो गया, डॉलर इतना कम हो गया, आजकल भी यही हो रहा है। उसका असर अवाम पे क्या हो रहा है, उसका असर अवाम पे कुछ नहीं होता, जब तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आएगा इकनॉमी में, अवाम तक बात नहीं पहुंचेगी, हमारे जो मजदूर हैं उनको खुशहाली नहीं आएगी, जो मिडिल क्लास है, जो वाइट कॉलर है, उसे फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, तो वो बेकार है। और ये बड़ा चैलेंज है, मुझे नहीं लगता, अभी तो ये कहा जा रहा है खुशहाली वापस आ रही है, जिससे खुशहाली बाहर चली गई थी और वो अब टहलती हुई वापस आ रही है, ऐसा नहीं है। इस खुशहाली को लाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी आपको, और ये जो मेरे ख्याल है बातें हो रही हैं दुबई में और सऊदी अरब में, शायद ये एडवांस कुछ बातें हो रही हैं, कबल इस वक्त बातें हो रही हैं कि हमें क्या दे सकते हैं आप, और उनके कमिटमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। वैसे यही बात चुगताई साहब, बाकी जो ममालिक हैं जैसे यूएई ने भी इनकार कर दिया था, सऊदी अरब ने भी पहले इनकार कर दिया था, और आईएमएफ तो पहले ही आपको किस्त देने के लिए तैयार नहीं था। बड़ा एक टफ टाइम था शहबाज शरीफ रजीम ने जो गुजारा है, बट नवाज शरीफ के अपने पर्सनल लेवल पर भी बड़े ताल्लुकात हैं इन ममालिक के साथ, लेकिन अब ये ममालिक कहते हैं कि हम आपसे बिजनेस टर्म पर मुआहदे करने को तैयार हैं, कर्ज देने को तैयार नहीं है, तो नवाज शरीफ के पर्सनल रिलेशनशिप कुछ बेनिफिशियल होंगे? नहीं, उसका असर तो इम्पैक्ट तो उसका होगा, और नाराजगी पहले हो गई थी, सख्त नाराज थे सऊदी इनसे, बस कमिटमेंट इन्होंने तोड़े थे, लेकिन अब बेहतर हो गए दोबारा हालात, और दोस्ती दोबारा हो गई, कुट्टी थी पहले। लेकिन मेरा अपना मसला ये है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है इंटरनेशनल लेवल पर, वन, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कल आपने देख ली, वर्ल्ड बैंक ने कल कहता है कि आप इंतहाई नाकिस लोग हैं, आप इंतहाई गैर मोतबिर लोग हैं, आप, अच्छा फिर उसने हवाला दिया हमारी कोर्ट्स का कि आपकी अदालतों ने रिकॉर्डिक और स्टील मिल के फैसले करके अपने आप को गैर मोतबिर कर दिया, अपनी इकनॉमी को, अपने स्टेटस को। दूसरा ये कि आपके पास बहुत कमजोरियाँ हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास सिविल सर्विस का सिस्टम बहुत कोलैप्स कर गया है। वो कहते हैं पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसको कोई कर्ज देते हुए या कोई मुआहदा करते हुए या निष्कारी में हिस्सा लेते हुए डर रहा है कि कहीं कोर्ट कल जाकर उसको घर कानूनी करार ना दे दे। तो वो कहते हैं ये सिस्टम ठीक करना है, और नवाज शरीफ को ये पता है, नवाज शरीफ को ये पता है कि सिस्टम में फॉल्ट कहाँ पर है, अर्थ कोई कहाँ से आ सकता है, और अगर वो उसको ठीक कर गए, क्योंकि ये खराबी ऐसी नहीं है कि आप एक बयान देकर उसको ठीक कर लें, इसको नीचे जाना पड़ेगा आपको सूबों तक आपको जाकर निजकारी के निज़ाम में जो रुकावटें हैं वो दूर करना होंगी। अब रिकॉर्डिंग में जाता है सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना, अब वहाँ जो दुश्वारियाँ हैं उसको उसका अंदाजा है, तो वो अभी तक नहीं आ पाया। साहब, नवाज शरीफ की वापसी के साथ आपने जो इतनी जिम्मेदारियां उन पर सौंप दी हैं, आपको नहीं लगता उनकी तबीयत खराब है? कैसे वो जलसे भी करेंगे और फिर हुकूमत भी चलाएंगे, तबीयत तो उनकी नासाज है, अभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवाई गई है। ये एक सीरियस बात है, और अगर ये पुरानी रिपोर्ट नहीं है, नई रिपोर्ट नहीं आई नहीं है, तो ये वाकई सीरियस है कि उनको अभी तकलीफ है सफ़र में भी। डॉक्टर अशरफ कहते हैं कि सफ़र में भी उन्हें तकलीफ हो सकती है, और ये सीरियस है। और अगर ऐसा है तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा ज़्यादा ना निकलें बाहर, जल से ज़्यादा ना करें,
लेकिन वो मेरे ख्याल रुकेंगे रुकेंगे नहीं। अच्छा, जो शायद इस बात पे कोई एक ये भी तासुर है सर, एक ये भी तासुर है, इस पर भी बात हो रही है कि मियां साहब आ नहीं रहे हैं, उनको लाया जा रहा है, तो कोई सरप्राइज मिल सकता है, मियां साहब आए यहाँ पर जलसे करने के लिए और कुछ और उनके साथ सरप्राइज हो जाए, कुछ ऐसा भी कोई मामला जेरे गौर है, या आपको लगता है कि मामला तय पा चुके हैं, हर चीज़ जो है पहले से तयशुदा है? देखिए, अगर कमिटमेंट आपने पूरा किया तो कमिटमेंट दूसरी तरफ से पूरा होगा, ये बात तय है। अगर आपने कमिटमेंट तोड़ा, अगर आप बहके, अगर आपने जीटी रोड की तकड़े दोहराने शुरू की आपने, तो मसले होंगे। थोड़ा हल्का फुल्का हो सकता है, कहते हैं ना हल्की फुल्की म्यूजिक हो सकती है, हल्की फुल्की मौसीकी हो सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि नहीं करेंगे। वो नवाज शहबाज शरीफ साहब जब गए थे बकौर, उनके में भाग के नहीं गया था, मैं जहाज पे गया था, हम कहते हैं उल्टे पैरों भागे थे वो, तो वो वाकई ठीक कराए सूरत हाल को और वापस हो गए, अल्लाह पे छोड़ दिया गया है, अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला जाने और वो जनरल बाजवा जाने और फलां जाने फलां जाने, तो वो अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह पे छोड़ दिया। राफियत भी इसी में है कि अल्लाह ताला पे ही छोड़ा जाए। हाँ, अल्लाह पे छोड़ दें बेहतर यही है, क्योंकि इख्तदार लेना है तो बहुत सी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ना पड़ेंगी आपको। ठीक है, अल्लाह पे छोड़ना पड़ेगा और यही मेरा ख्याल है हिकमत का तकाजा भी यही है। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब आपका। अब देख साहब, अल्लाह पर छोड़ते हैं या अपने वर्कर्स पर छोड़ते हैं, ये तो उनका जो पहला खिताब होगा वही तय करेगा कि मियां साहब की डायरेक्शंस क्या हैं। उससे पहले बात कि वो आ जाएं अगर वापस, तो ये फिर उसके बाद होगा कि वो खिताब करते हैं। और दूसरी बात कि अदालत से उनकी जो कानूनी टीम है वो कितनी तैयार है, अगर वो तैयार होती है और उनको जेल में नहीं जाना पड़ता और उनको रिलीफ मिल जाता है, तो ये एक होगा प्लस पॉइंट। और उसके बाद फिर उनका पहला जोश खिताबत होगा जिसमें पता चल जाएगा, क्योंकि पहला अगर जलसा कामयाब ना बनाया तो पीएमएलएन की जो साख स्पेशली लाहौर के से ज्यादा, जलसे से ज्यादा मियां साहब का जो खिताब होगा वो तय करेगा कि मियां साहब कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। वर्कर्स होंगे तो ज्यादा वर्कर्स होंगे ना, तो फिर ज्यादा। अच्छा, बात दफा होता ऐसा भी है कि आप की जोश खिताबत में ज्यादा किरदार होता है वर्कर्स का, जब लाखों आवाम का जमे गफीर होता है और इतना आपका पुरतपाक इस्तकबाल होता है, तो फिर परते जज्बात में आप वो बातें भी कह जाते हैं जो शजरे ममनुआ होती हैं, जो नहीं कहनी चाहिए। तो ये जलसा, ये चीजें यही डायरेक्शन तय करेंगी। पहली बात यह कि मियां साहब आए, उसके बाद की बात है। अभी सऊदी अरब में लेट्स सी के वो कि कौन सी हम मुलाकातें करते हैं, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी के लिए मियां साहब हैं, पीएमएलएन है, कोई भी बेहतर है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा, तो एब्सोल्युटली वी आर फाइन विद दैट कि जिसको भी आना है वो आए और मईशत को बेहतर करे। अच्छा, अब जिस सेगमेंट पर हम बात करने लगे हैं, ये पेरेंट्स के लिए बहुत तवज्जो और अहमियत का हामिल है। छोटे जो बच्चे होते हैं वो तो हमेशा शरारती ही अच्छे लगते हैं, हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। उनकी शरारतें कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उनकी शरारतें कई दफ़ा पेरेंट्स को इरीटेट भी कर देती हैं, बहुत ज़्यादा घर वाले तंग भी आ जाते हैं। लेकिन एक हेल्दी और एक सेहतमंद बच्चे की अलामत भी यही होती है ना कि वो एक्टिव हो और वो अच्छा नज़र आता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में, जो उनके हंसने खेलने की उम्र है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लड़ाके हो जाते हैं, गुसीले हो जाते हैं, उनके जो मिजाज में तलखी जो है ना बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, इरिटेट नज़र आते हैं। अच्छा, मैंने तो बहुत छोटे बच्चों को देखा है जो अपने मुँह पे दोनों हाथों से थप्पड़ मार रहे होते हैं, मतलब इतना। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन की जो है ना एक छोटे से बच्चे जो बोल नहीं सकते लेकिन वो अपने अंदर जो इरिटेशन है उसका इजहार ऐसे कर रहे होते हैं कि वो अपने फेस के ऊपर थप्पड़ मार रहे होते हैं, या उनको जिसने भी उठाया होता है, अपने पेरेंट्स में से माँ है या बाबा है, जिसने भी उठाया है उनके मुंह पे स्लैप कर रहे होते हैं, क्योंकि इरिटेशन में इतनी ज़्यादा होती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इस वजह से कि हम उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज नहीं दे पाते शायद, या वो जिस तरह से एनर्जी उनके अंदर इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल तो यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, फिर इसके अलावा दो चार फैक्टर्स और भी हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर माँ बाप की कोई सही से बन नहीं पाती है, घर का माहौल अगर हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके मिजाज पर असरअंदाज होता है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौशाबा अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा क्या वजह है, बच्चे तो हंसते खेलते अच्छे लगते हैं, उनको हंसना खेलना ही चाहिए,
ये जो आजकल हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सीले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, मिजाज में बहुत ज़्यादा तलखी देखने को हमें मिलती है, वजह इसकी क्या लगती है आपको, क्या चीज़ होती है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, शुक्रिया आपके मधु करने का। बच्चे अभी बात कर रहे थे कि वो मुंह पर थप्पड़ लगा रहे हैं और बहुत शरारत कर रहे हैं, एग्रेशन बहुत है बच्चों में, वायलेंस बहुत है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि पेरेंटिंग, मैं बड़ा एक मेरा वो जुमला चलता है कि मैं कहती हूँ कि अगर आप करेले हैं तो आप सेब नहीं खाएंगे, आप करेले ही खाएंगे। अब पेरेंट्स अगर माँ बाप हमारे पास आते हैं और वो एक लिस्ट लेकर आते हैं, नीम चढ़ा और वो ऐसा उनको मीठा सेब चाहिए ना अपनी औलाद की शक्ल में, और खुद वो प्योरली करेले और होते हैं। और कड़वे, गुस्सीले, चिड़चिड़े, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। बच्चे से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं होता। बच्चा पेरेंटिंग, हम समझते हैं कि बच्चा ऑब्जर्व नहीं कर रहा, बच्चा बिल्कुल अपने शुरू की एज से ही बच्चा वॉर्म्थ आपके हाथ के पकड़ने से, देखें फ्रस्ट्रेशन और वॉयलेंस और अग्रेशन, याद रखें ये न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह होता है, ये निकलता ही है अपने से कमजोर पे निकलता है। अब बच्चे तक वो पहुंचता कैसे है, वो वालिद, मैं बताती हूँ बार बार इस बात को कि बाहर से वालिद या वालदा गुस्सा लेकर आए हैं घर, अब वो एनर्जी है उन्होंने निकालनी है, वो उनको कमजोर शायद माँ लगे बेचारी, या माँ को बाप लगे, ये आजकल तो ऐसा भी हो रहा है, तो वैसे बाप ही बेचारा लगता है, ये ले जी आजकल तो कमजोर, अच्छा जी किसी पे भी वो जो नहीं जाते ठीक है, वो आप अगर लग रहा है तो वो बच्चों पे। और बच्चे आप अगर देखें कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उनका एग्रेशन, कि वो खिलौने तोड़े होते हैं, आप कहते हैं कोई चीज इसको ला के दो ये जिंदा ही नहीं छोड़ता, और ये उसको तोड़ देते। और ये अल्बर्ट बैंडूरा के बड़े एक्सपेरिमेंट्स है साइकोलॉजी ने इसके ऊपर किए हैं। एक चीज आप कभी भी उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर मैं बहुत बात कर रही हूँ आजकल, वो है जो गैजेट आपने बच्चों को, आप लोगों ने अपने हाथों में भी पकड़ा हुआ है अब तो, हमारी पेरेंटिंग में भी, और खाना खिलाना है बच्चे को, वो घुट्टी की जगह फोन दे देते हैं बच्चे को, खुराक खाना खा रहा है तो वो गेम्स के साथ खा रहा है, उसको वही पोइम्स चल रही हैं, फिर अग्रेसिव एंड वॉयलेंट, यही बात है, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है ना कि अगर खाना खाते हुए स्क्रीन नहीं है और तो वो एक तो एक्टिव फूड नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है वो क्या खा रहा है, ध्यान भटक के और बच्चे को, और ये हर घर के अंदर। अच्छा, और बच्चे इतने यूज्ड टू हो चुके होते हैं, बच्चे खाते नहीं है जब तक उनके हाथ में मोबाइल फोन या गैजेट्स ना दें। बच्चे क्या नहीं खाते, बच्चे कोई पैदाइशी तौर पे अल्लाह ताला ने तो नहीं उनको सिखा के भेजा ना कि आपने जब तक माँ आपको फोन नहीं देगी आपने खाना नहीं खाना, ये आपकी अपनी ट्रेनिंग है। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, आप खुद करेले हैं, बच्चों से आप एक्सपेक्ट ना करें, ये हमारी अपनी पेरेंटिंग का फॉल्ट है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि ये 13 साल तक ब्रेन डेवलप हो रहा है, ये कोई हल्की बात नहीं है। वो टीपू सुल्तान अभी आपको तो नहीं मिलेगा जिसने 16 साल में आधी दुनिया फतह कर ली थी, जब आपके बच्चे वीडियो गेम्स के अंदर ही वो टीपू सुल्तान, शेरशाह सूरी बने हुए, और बाहर वो चुंटी और बिल्ली देख के भी दुबक के बैठ जाते हैं, कोई ग्राउंड नहीं है आपके पास बच्चों के लिए। जो अगर वो अग्रेशन सपोज बच्चे में आ गया, वो स्कूल से आ गया, वो पेरेंटिंग से आ गया, हाँ बाज़ औक़ात कोई हार्मोनल चेंज, कोई केमिकल इम्बैलेंस, कोई हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं 5-10% जिनका अमल दखल हो। ट्रेट्स पर्सनालिटी टाइप बाज़ औक़ात हम देखें, याद रखें ये इनहेरिटेंस के अंदर भी एग्रेशन हम और वॉयलेंस जो है वो हम बच्चों को आगे ट्रांसफर करते हैं। वो कहते हैं ऐसा गुस्सा जड़ा है ना वो दादा ते गया है। वो यही गल है कि वो यही बात है कि वो आपने ये आइडेंटिफाई करना है पेरेंट्स ने कि 3-4 बच्चे हैं उनमें से किस में ज्यादा जो है वो गुस्सा है, आपने उसके ऊपर एहतियात करनी है, पेरेंट्स ने एहतियात करनी है, और उसको ट्रिगर होने से जो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट से है बचाना है। पिस्तौले ना दें बच्चों को खेलने के लिए, वीडियो गेम्स ना दें। हमारे तो 1.5 घंटा की ड्राइव पे जाओ तो वहां पर बच्चों को दी हुई पिस्तौले, तोपक जमा कानून दे, वो ये कहते हैं बच्चों को, आप किताबें दें भाई, आप उनको लाइब्रेरीज में भेजें, और ये जो स्क्रीन टाइम है
इसके ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो फिर आप करेले ही खाएंगे, फिर हम करेले ही खाएंगे, जारी बात है फिर। अब जो करेले का अगर आप दरख्त लगाएंगे उससे कोई आम और अंगूर तो आपको लगेंगे नहीं, वही जो बोएंगे काटेंगे नहीं लगेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अक्सर ये भी होता है ना कि अगर चार पांच बच्चे होते हैं तो उनमें एक बच्चा जो जरा निगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको इतनी तवज्जो नहीं मिलती है, तो उसमें भी ये फैक्टर देखने को मिलता है। पेरेंट्स किस तरह सारे बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक हकीकत है, कोई एक बच्चा माँ का लाडला होता है और कोई एक बच्चा बाप का लाडला होता है, जिसकी जायज नाजायज तमाम फरमाइशें जो है ना मानी जाती हैं। फिर इकलौते जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है, बड़े वो खामोश तबाह होते हैं, फिर बड़े चिड़चिड़े भी होते हैं, उनके मिजाज पे भी कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट करती हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। बच्चों के अंदर बर्थ ऑर्डर जो है ना, पहले बच्चे के हालात और होते हैं, उसको टेंशन बहुत ज्यादा मिली होती है, उसको अकेले हर चीज वो शेयरिंग नहीं जानता। बच्चा थोड़ा सा मैंने देखे है कि जो थोड़ा इंट्रोवर्ट साइड पर चले जाते हैं बच्चे। पेरेंट्स में ये सबसे बुरी बात हो सकती है, जो बच्चों में राइवलरी या बच्चों के अंदर जो ये आपसी मुकाबले में डाल देते हैं और मिसाल देते हैं। पहले तो समझना चाहिए कि अल्लाह सुभान ताला ने हर इंसान को एक जबिल्लत और एक खसलत के साथ पैदा किया है, इसी तरह हर बच्चा अपनी एक पर्सनालिटी के साथ पैदा हो रहा है। ये पेरेंट्स को अब आपने देखना है, घोड़ा है, हाथी है, शेर है, कौन सी शख्सियत है, और आपको ऐसा तो नहीं है कि आप सब बच्चों को एक तरीके से ट्रीट करें और ये फर्क ना रखें। मैंने ये चीज बड़े अफसोस के साथ आपको बताऊंगी कि जो बच्चे निगलेक्ट होते हैं बचपन में और जिन बच्चों को पेरेंट्स बराबर, ठीक है दिल पर जोर नहीं होता, कुछ बच्चे टेंशन खुद ही ज्यादा लेते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा कुछ ये भी होता है ना, कुछ बच्चे वैसे ही माशाल्लाह खूबसूरत और प्यारे होते हैं तो वो भी एक तवज्जो लेनी आती है, उनकी शरारतें ऐसी होती हैं कि वो अटेंशन लेते हैं, वो ऐसी कुछ हरकतें ऐसे कर देते हैं। ऐसे ही है डॉक्टर नुशाबा, टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बच्चों के अंदर जो अग्रेशन ट्रिगर हो जाता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर हमने डिस्कशन की है। 10 बजे की हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रे के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, और अभी तमाम पाकिस्तानी कौम जो है, क्योंकि हमें हर 15 दिन के बाद एक फिक्र सताने लगती है कि पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा। 15 दिन भी मेरे ख्याल से ज्यादा है, जब मर्जी वैसे तो 2 से 4 दिन बाद भी जो है ना ये परेशानी ओकरा समरी भेज देती है ना कि भाई पेट्रोलियम जो लेवी है उसको बढ़ा दिया जाए, और उसके बाद हुकूमत जो है वो ये सोचती है कि अब क्या करना है। लेकिन बुरी खबर ये है कि अगर आप आलमी मार्केट को देखें तो वहाँ पर जो तेल की कीमत है उसमें इजाफा हो गया है। अब इजाफे के बाद इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी में और पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल है उस पर भी आएगा डेफिनेटली। तो अब सबकी नजरें ये हैं कि अभी पेट्रोल जो ऑलरेडी 323 रुपए का है वो अब मजीद कितना महंगा हो सकता है, कितना सख्त जो है वो इसको फैसला होगा हुकूमत की जानिब से, और स्पेशली निगरान सेटअप के लिए। अच्छा, इससे पहले शनीद ये थी कि शायद फ्यूल की कीमतें जो हैं कम होने जा रही हैं, लेकिन अब चूंकि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं तो अब यहाँ पर भी कीमतें बढ़ने मतलब का वो जो 8 रुपए इन्होंने सस्ता किया था अब वो 16 रुपए बन के महंगा होगा। वो जो हातिम ताई की कब्र पर लात मारी थी ना 8 रुपए सस्ता करके, अब वो मजीद महंगा होने का खदशा है, और अल्लाह करे महंगा ना हो, खदशा ही रहे और महंगा ना हो। इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन ऑल पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यूज मॉर्निंग। बताइएगा क्या इतलात हैं आपके पास, पेट्रोल पंप मालिकान तो हमेशा हुकूमत के साथ लूप लाइन में रहते हैं, तो पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा, क्योंकि आलमी मार्केट में तो कीमतें बढ़ी हैं। देखिए ये पिछला जो 15 दिन होते हैं उसका हिसाब के साथ रेट तय होते हैं, तो पिछले 15 दिन में डॉलर भी कम हुआ और इंटरनेशनल मार्केट की ऑयल की भी कम हुई, तो बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट, इनको कम करना पड़ेगा। अगली पहली नवंबर को क्या हालात होते हैं, कम हो सकता है या बढ़ सकता है, उस वक्त ये रेट बदलेंगे। मतलब कितना कम हो सकता है, आपने बोला कि इनको तो कम करना ही चाहिए, कितना का टारगेट है? मेरे ख्याल से तो 15-20 रुपए इनको कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। वाओ, अच्छा समी साहब जिस तरह आपने अभी कहा है कि कम होना चाहिए और 15-20, क्योंकि डॉलर भी तो सस्ता हुआ है, हम ये देखते हैं पेट्रोल जब बढ़ता है तो
26-26 रुपए, 30-30 रुपए बढ़ता है। अभी लास्ट टाइम भी कहा यह जा रहा था कि ज़्यादा होगा, 20-25 रुपए सस्ता होगा, लेकिन सिर्फ 8 रुपए सस्ता हुआ। आइडियल आप क्या समझते हैं कि अब अगर सस्ता होता है कितना सस्ता हो सकता है? मैंने अभी अर्ज किया कि 15-20 रुपए सस्ता होगा। ये असल में और बार डालते हैं कंज्यूमर पे पेट्रोल से, हिसाब लगा लेते हैं और यहाँ टैक्स लगा देते हैं। ये तरीका गलत है, इसका अलग है, जहाँ टैक्स लगाना है उनको वहाँ टैक्स लगाएं, वो बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे डाल देते हैं, ये बड़ी ज्यादती है। और हम पहले हमें शामिल करते थे, रेट पे बैठते थे, अब हम हमें शामिल नहीं करते क्योंकि हम करेंगे सही बात। और ये फिगर भी सही नहीं देते कि भाई कितने आपने जो इम्पोर्ट किया है इस 15 दिन में किस रेट पे किया है, उस पर डॉलर का रेट क्या था, ये तो अवाम को भी मालूम होना चाहिए ना। ये तो ये दुनिया भर में तो एक एक दिन में बदल जाता है कोई बात नहीं, मगर यहाँ 15 दिन में बदलते हैं और इतना प्रॉब्लम होती है, कंपनियाँ भी प्रोडक्ट नहीं देती, सब जिम्मेदारी डीलरों पे आ जाती है। और कुछ डीलर भी हो सकते हैं कि जो इसमें मेल प्रैक्टिस यानी न देते हो, हम तो उनके साथ नहीं है। और हमने कह रखा है कंपनियों को भी और गवर्नमेंट को, अगर कोई पेट्रोल पंप बंद करता है तो प्राइस बढ़ती है कम होती है, तो उनके साथ सख्त एक्शन लिया जाए। नहीं सर, एक्शन तो होता ही कहाँ है, अब आप देखिएगा जैसे ही ये खबर आएगी कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है, उससे एक या दो दिन पहले पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं, महंगा होने वाला हो तो फिर वो महंगे रेट पर ही पेट्रोल देते हैं, मतलब ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है, पेट्रोल पंप्स बंद होते हैं। देखिए ये मैं आपको अर्ज करूं कि जैसे हमारा कमीशन बढ़ा, जो होलसेलर को ज़्यादा कमीशन दे दिया और रिटेलर को कम दे दिया, और अब इन्होंने ये किया जिनकी रिफाइनरी हैं चंद कंपनी जैसे अटक है, उन वो तीन जगह से फायदा उठा रहे हैं, एक तो रिफाइनरी का मार्जिन, एक ओएमसी का मार्जिन, और खुद चला रहे डीलर का मार्जिन। अब देखिए ना, ये यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। मैंने तो मिनिस्टर से 3 दिन पहले बात करी कि आपने ओएमसी के 30 लाइसेंस दे दिए हैं, उनको बड़ी ज्यादती की आपने, उनके फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी हैं, और एक कमरे में बैठ के उनको लाइसेंस देते हैं, पूरी दुनिया में नहीं होता है। जो बड़ी कंपनियां चल रही थी चार, सुकून था उस वक्त, अब तो हर एक को लाइसेंस दे देते हैं ओगरा वाले, ये बड़ी हमने बड़ा सख्त एहतजाज किया, उसकी वजह क्वालिटी भी फर्क आ जाता है, और जो स्मगलिंग हो रही है उसके खिलाफ भी हम यही कह रहे। लेकिन समीर साहब, इस होलसेलर्स और रिटेलर्स की जंग में सर पिस्ता तो आम आदमी है जिसको फ्यूल नहीं मिलता है, आप एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, क्या आपकी जानिब से ऐसे कोई एसओपीस या डायरेक्शंस नहीं दी जाती हैं कि पेट्रोल जो है वो पंप्स बंद नहीं रहेंगे? लोगों को मुश्किलात होती हैं सर, महंगा होने लगता है तो फौरन से पहले पंप बंद कर दिए जाते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा होना ठीक है आपकी नज़र में? सस्ता होता है तो महंगा होता है तो फायदा तो उसका पंप वाले काम को होता है ना सर। मैंने कंपनियों से कहा है कि आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी, आप जिनके ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप उनके खिलाफ एक्शन ले, मैं आपके साथ हूँ। ये अब ये तो इतनी कंपनी है उनको मालूम है उनके पेट्रोल पंप कहाँ बंद हो रहे हैं, तो ये मैं आपसे वादे तौर पे कहना चाहता हूँ, जो पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, और एसोसिएशन कभी इसमें रुकावट। सब एसोसिएशन की तरफ से भी कोई होता है, एसओपीस बनाए गए हैं कि अगर जो वो तमाम पेट्रोल मालिकान जो कि अपने पंप्स बंद कर देते हैं तो एसोसिएशन की तरफ से कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई हो या कुछ इस तरह से? देखिए मेंबरशिप तो कैंसिल हम कर देते हैं, मगर जब तक ओएमसी हमारा साथ नहीं देगी, वो तो उनको सप्लाई जारी रखेगी, ओएमसी को हमारा साथ देना चाहिए और हम उनके साथ हैं, जो ये करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, कोई आपके एमओयू वगैरह साइन है इनके साथ कि जो पेट्रोल पंप्स बंद करेंगे उन पर फिर कार्रवाई एक्शन होगी, आपकी तरफ से कोई उनके साथ एमओयू साइन किया गया हो? नहीं, एमओयू नहीं होता, ये होता ये है
कि हमने उनको वादे तौर पे कह दिया है कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें। मैं आपके जरिए भी कह रहा हूँ, हम रुकावट नहीं बनेंगे, यही एमएनयू है और यही हमारी वादे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ताउन की तैयार है। असल में उनकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा है कि अगर वो कोई पंप बंद कर रहा है तो उनको सप्लाई बंद कर दे। एब्सोल्युटली ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और वाकई ही में जिस तरह अभी समी साहब ने भी कहा है, ये वतीरा नहीं चाहिए है पंप मालिकान को। जिस तरह वो कह रहे थे कि होना तो ये चाहिए कि बिल्कुल भी पेट्रोल पंप्स बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन इसको मेक श्योर करना ये तो हुकूमत की, ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि कोई भी पंप मालिकान जो हैं पेट्रोल पंप्स बंद ना हो। देहातों को छोड़े, हम तो लाहौर शहर में देखते हैं कि जब फ्यूल की कीमतें बढ़ने लगती हैं नापैद हो जाता है, पंप्स बिल्कुल बंद होते हैं। तो ये ज़िला ही हुकूमत, डेप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर्स, उनकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को मेक श्योर करें कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, बंद कम से कम नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो रेजिडेंशियल एरिया में कुछ शॉपकीपर्स जो हैं वो पेट्रोल पंप डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं गाड़ियों में, नामयारी पेट्रोल जो है वो होता है, तो इस चीज़ को भी मेक श्योर किया जाए कि रेजिडेंशियल एरिया में जो इस किस्म की दुकानें बनी हुई हैं, छोटी सी दुकान के अंदर उन्होंने पेट्रोल की मशीन रखी है और फ्यूल डाल रहे हैं, वो इसको भी मेक श्योर किया जाए कि इस तरह से ना हो। आप इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें अपना एक घर का सर्कल चलाना, उस घर के सर्कल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। मिनिमम वेज अगर गवर्नमेंट ने रखी है तो वो अभी 32,000 रखी है, लेकिन अभी तक जो प्राइवेटाइजेशन में जो इदारे हैं वो अभी तक अपने मज़दूरों को 25,000 रुपये ही दे रहे हैं। अब उस 25,000 के अंदर उसने अपने घर का किराया भी देना है, बिल भी देने हैं और फिर बच्चों को भी पढ़ाना है। सिर्फ पैसों की कमी होने की वजह से, बुनियादी वजह ये है कि 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जो बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करके आगे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, पेरेंट्स वो फीसेस अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं ताकि अपने बच्चों को एक अच्छे मुआशरे में एक अच्छा शहरी बना सकें, अच्छा, एक अच्छी तरबियत उनकी कर सकें। पेरेंट्स के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं होती है कि सिर्फ मुआशी मसाइल की वजह से उनका होनहार बच्चा जो कि काबिल है, ज़हीन है, सिर्फ अपने पैसे की कमी की वजह से वो तालीम से बाहर रह जाए, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत अलार्मिंग चीज़ है। एज ए नेशन, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए भी बहुत तकलीफ़ दे बात है कि सिर्फ तालीमी वसाइल जो है आपके मुआशी वसाइल, मुआशी मसाइल की कमी की वजह से आपका इस मुल्क का एक अहम बच्चा, एक ज़हीन बच्चा वो तालीम से रह जाए। तो ऐसे में हमारे तालीम का जो बजट है वो 2.6 बिलियन है। Exactly. तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारा 2.6 अरब सिर्फ हमने तालीम के लिए, हुकूमती सतह पर तो हमारी तरजीहात में कहीं फाल ही नहीं करती। इन हालात के अंदर कुछ एनजीओ ऐसी हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है और सूरत हाल की नज़ाकत को जानते हुए वो बच्चे जो कि तालीम से महरूम हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में ये तो जिसको भी अल्लाह ने इस्तेआ दी उन सबकी जिम्मेदारी है कि आपके हमसायों में, आपके मोहल्ले में अगर कोई बच्चा सिर्फ पैसे की वजह से तालीम से महरूम है तो उसको जेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। इसी पर बात करने के लिए नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मुश्ताक मांगड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मांगड़ साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर ये बताइएगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आप उन बच्चों की तालीम के अखराजात को उठा रहे हैं, अल्फला स्कॉलरशिप के नाम से आपने ये आगाज़ किया इस मुहिम का, लेकिन सर कितनों को आप अफोर्ड कर लेंगे? ये तो हुकूमतों की सतह का काम है जो आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बात आपने आखिरी फिक्र कहा है यही दर हकीकत इस पूरे मसले का हल है। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी तालीम है और ये आज से नहीं है, जब से रियासत का वजूद अमल में आया है उस वक्त से लेकर वो इस्लामी दुनिया और या गैर इस्लामी दुनिया हो वहाँ पर भी तालीम का बोझ जो है वो रियासत ही उठाती थी। हत्ता कि मैं आपको खुद अपनी ज़ाती मिसाल भी देना चाहूँगा, आज से 30-40 साल पहले सरकारी यूनिवर्सिटियों की फ़ीस भी ना होने के बराबर होती थी, जो अब भी लाखों में जा चुकी है। स्कूलों में तो होती नहीं थी। मैं सरकारी स्कूल में प्राइमरी, मैट्रिक, FSC और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है, तो स्कूल फीस तो ना होने के बराबर थी, बिल्कुल थी ही नहीं, लेकिन दो रुपये या तीन रुपये प्राइमरी में रेड क्रॉस चंदा होता था 4 आने और इस तरीके से। उस वक्त भी हुकूमत तालीम के तमाम तरह अखराजात जो है वो पूरे कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारी तरजीहात में से आहिस्ता से बात निकलती गई। अब सूरत हाल ये है जी कि भी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी इस कदर फीस है कि आप आम आदमी उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जाने
तो इस सिलसिले में अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तो ऑप्शन यही है कि शिकवा जुल्म तय शब से तो कहीं बेहतर है, ताकि हम अपने हिस्से क्योंकि शमा जलाते जाते, हम तो यही काम कर सकते हैं। तो ये काम जो है, ये काम गुजरात से ये शुरू हुआ और आज इसको दो दहाइयों से ज़्यादा अर्सा हो चुका है। अब तक 5,000 बच्चों को हम अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कॉलरशिप दे चुके हैं जो, और कोई 45 करोड़ रुपया इसके ऊपर अब तक खर्च किया जा चुका है। पूरे का पूरा एक निज़ाम मौजूद है, जो लोग बच्चे पढ़ते हैं और वो अच्छे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, इस वक्त पाकिस्तान में 250 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें 100 के करीब प्राइवेट हैं और 150 के करीब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी सबको मिला लें तो इनकी तादाद के 20-25 लाख के करीब बच्चे हैं जो इन प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन उनमें से मैं खुद बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो फीस ना देने की वजह से नहीं जा पाते, सेमेस्टर ड्रॉप करते हैं, कोई बेचारे नाश्ता नहीं करते कि जी आज नाश्ते के पैसे बचा कर हम ये काम कर लें। तो ये सारी सूरत हाल में होगा एंड पर क्या, एंड पर ये होगा कि जब आप तालीम को प्रॉपर अहमियत नहीं देंगे तो फिर अनपढ़ लोगों की हम एक बहुत बड़ी फौज बना लें। अभी भी फिगर है 2.8 करोड़, 28 मिलियन लोग जो हैं, सेकंड लार्जेस्ट फिगर है आफ्टर नाइजीरिया। तो जो लोग जो हैं वो बच्चे स्कूलों से आज ड्रॉप आउट हो गए हैं। अब जो ड्रॉप आउट हुआ पढ़ा नहीं, वो पॉवर्टी भी हो जाएगा में मुबतला हो जाए, का भी वल्नरेबल है, वो मिसयूज़ भी होगा, वो अब्यूज़ भी होगा, बीमारियाँ भी उसको लगेंगी, अर्ली मैरिजेज भी होंगी और उसका कोई लिविंग स्टाइल भी नहीं होगा और वो कोई कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकेगा स्टडी में। अल्टीमेटली आपके ऊपर हमारी इकोनॉमी पे बोझ ही बोझ बनेगा, वो आप पे कोई काम नहीं कर सकेगा। बट सर, आप जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, मैं चाहूँगी कि आप उसका मैकेनिज्म समझाएं, अगर जो हमारे व्यूवर्स भी हमें देख रहे हैं तो किस तरह से वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एक जो इनफरादी शख्स है, अगर वो किसी एक स्टूडेंट की कोई एक सेमेस्टर, आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेज की भी फीस एक सेमेस्टर की 50,000 से तो कम नहीं है, इतनी 50,000 तो है, वो हर 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आपने 50,000 देना है, तो इनफरादी तौर पर किस तरह से कर सकते हैं? और पूरे चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से भी स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं? जी जी, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है जी, बल्कि किसी तरह का कोई भी तख़सीस भी नहीं है। जो बच्चे और बच्चियां जो भी हमें, अभी कल हमारा फंक्शन था तो उसमें 80% बच्चियां थी, कोई 20% बच्चे होंगे। और फिर ये इसका हमने थोड़ा सा ये ख्याल उनको ये रखते हैं कि भी कम से कम 9,000 रुपये पर मंथ हम किसी भी शख्स से उस बच्चे के लिए लेते हैं, जिसमें उसकी बाज़गत 5-6-7 हज़ार फीस भी चली जाती है, कोई 1,000-2,000 रुपया जो है ना उसके आने जाने का भी खर्चा निकलाता है। तो जिसको भी ज़रूरत हो वो हमारे पोर्टल से या हमारे किसी भी दफ्तर से वो रابطہ कायम करे, पूरे का पूरा हमारा एक मैकेनिज्म मौजूद है, वो अप्लाई करेगा और उसकी तस्दीक की जाएगी कि वो पढ़ता है वाकई तरह, जब तक वो पढ़ता है तब तक। डॉक्टर साहब, इसका क्राइटेरिया क्या है? कोई सूबा, कोई रंग, मजहब, नस्ल? नहीं जी, कोई नहीं है, बल्कि हमारे पास जितने पैसे, जितने एप्लीकेशन आती हैं हम उनको अपने सामने रखते हैं और लोगों से स्पॉन्सरशिप मांगते हैं, जितनी स्पॉन्सरशिप आ जाए उसके ऊपर हम उसके मुताबिक तकसीम करते जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर। हाँ, कुछ एरिया जो बहुत डिप्राइव्ड एरिया हैं उनके लिए हम अलग से भी ज़रूर एक कोशिश करते हैं कि उन लोगों को कुछ थोड़ा सा रेशो से ज़्यादा दिया जाए। कितने बच्चे मुस्तफ़ीद अब तक हो चुके हैं? अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 4,500 के करीब बच्चे जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होकर पढ़ चुके हैं। और एक और खूबसूरत बात है बच्चों के हवाले से, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमने इनसे ये नहीं कहा कि हम ये कर्ज़ दे रहे हैं और आपने लाजमन वापस देना है, कोई ऐसे हमारा एग्रीमेंट उनके साथ नहीं, उनका यह है कि भी हम दे रहे हैं दैट्स इट। लेकिन हम जो उम्मीद आपसे करते हैं कि टेक टुडे गिव टुमारो, आपने जो लिया है जब आप इस काबिल हो जाएं कि भी आप किसी और बच्चे को का खर्चा उठा सकते हैं तो आप पे बैक करें, हम इस सिलसिले को आगे चलाना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे जो अल्फा स्कॉलर हम इन्हें कहते हैं कि जो पढ़ के फारग हो चुके हैं, तो कि वो पढ़े, पढ़ने के बाद वो हमें कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करें और वो कर रहे हैं। तो ताकि ये सिलसिला जो बजट है जो जहाँ पे हम नए डोनर तलाश करते और जो चले गए, और दुनिया जहान में ऐसा ही है, इवन हमारी लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी के 1/3 अखराजात जो है नहीं वो उनकी जो अलमनाइज हैं वो पूरा करते हैं। और बाहर है बहुत अच्छे शोधों पर लोग चले जाते हैं, उनको याद भी रहता है कि जब मैं फ़ीस देने के काबिल नहीं था तो किसी ने मेरी फ़ीस दी थी, आज मैं 10 बच्चों की फीस दे सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं देता। अरे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सिलसिला जो है ना वो चलता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपसे कोई रबते में है, कुछ रिलीफ वो भी देती हों फी कंसेशन में? जी, हर यूनिवर्सिटी देती है, लेकिन ज़ाहिर है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अपने एक मसाइल है। अब वहाँ पर सैलरीज और बाकी अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि उनको भी अपनी फ़ी जो आप मुझे जो अच्छी तरह से याद है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ जिसकी 1 लाख रुपये फीस थी 2000 में,
अब वो 15 लाख होगी। अब तो 15-20 साल के अंदर हर चीज़ डबल होगी। उस वक्त आप प्रोफेसर की तनख्वाह देख लें, अब देख लें, बाकी अखराजात देख लें, तो अब वो उनके भी अपने एक मसाइल हैं। बुनियादी तौर पर आप समझें कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, किसी का कोई जवाब नहीं बनता जब तक ये हुकूमत काम करती रहे। सॉरी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और टाइम लूँ। अभी आप लाहौर की मिसाल है, आप भी लाहौर रहते हैं, मैं भी लाहौर रहता हूँ। ये लाहौर के अंदर जितने भी सरकारी अदारे हैं, ज़रा मुझे आप गिन कर बता दें कि शायद आप एक या दो का नाम ले सकें। जबकि लाहौर की आबादी अगर 1947 के अंदर 3-4 लाख थी, तो आज वो 2 करोड़ है। तो इस 2 करोड़ की रेशो से लाहौर शहर के अंदर कितने सरकारी नए स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनी, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, किसकी नहीं बनी। आखिरी मेडिकल कॉलेज जो है सरकारी, वो हमें यही जिना मेडिकल कॉलेज का ही नज़र आता है, और यह अभी वो सर्विस अस्पताल का है। तो ये इस तरह से अभी जनरल अस्पताल के भी उन्होंने शुरू किया, लेकिन उनके अंदर भी जो फी सेटअप है वो वाला नहीं है जो मतलब आज से 30-40 साल पहले वाला था। तो जिस वजह से अब एक और जो इसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि सिर्फ आने वाले सालों में अमीर बच्चा या अपर मिडिल क्लास का बच्चा ही जॉब मिलेगी, इसे वही ग्रेजुएशन कर सकेगा, वही इस हमारी क्यादत कर सकेगा, और जो नीचे वाला टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट जो है, वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकेगा। वो बेचारा वहीं पे छलनी हो जाता है, छानी से निकल जाता है, और 2.5 करोड़ बच्चों में वो शुमार हो जाता है, और हम एक बहुत बड़े टैलेंट से महरूम हो जाएंगे, और हम उन लोगों को उस कोने में धकेल देंगे जहाँ से वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ना अपने लिए, ना ख़ानदान के लिए, और ना ही हमारे माशरे के लिए। बिल्कुल यही है। अच्छा सर, अब एजुकेशन सिस्टम पर भी मैं चाहूँगी आप रोशनी डालें। हमारा एजुकेशन सिस्टम अब तो एक माफिया की तरह काम कर रहा है, कमर्शियल ज़्यादा हो गया, वो तालीम को बेच रहे हैं। उसमें अब उस तरह से ना स्किल्ड एजुकेशन है, ना कोई तरबियत पर काम हो रहा है, बस यह है कि जो स्कूल भी है वो यूनिफॉर्म के पैसे अलग, बुक्स के पैसे अलग, लंच के पैसे अलग, फिर जो उनके कॉपीज हैं, फिर उसके बाद पेंसिल तक वो खुद दे रहे होते हैं कि आपने हर चीज़ हमसे लेनी है। स्टूडेंट को एज ए क्लाइंट बेसिकली डील किया जा जी जी, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए जी, बात यह है ना कि मुझे अगर एक जगह से खाना चाहिए, वो नहीं मुझे मिल रहा, तो फिर जहाँ से मिलेगा वह जैसा मिलेगा, कपड़े बेच कर लूँ या मैं अपने जेवर बेच कर लूँ। तो जो किसी ने कहा कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है, तो फिर तो मतलब किसी को जेवर बेच के पढ़ाता है। लेकिन अब अगर है ही नहीं, अब अगर आप सरकारी स्कूल में जाएँ और वहाँ बच्चे को पढ़ाना चाहें, तो पता लगता है लैब ही नहीं है, पता लगता है कि जी आपकी यहाँ पर तो टीचर ही फिज़िक्स का पिछले साल से नहीं है। तो फिर हम मजबूरन, अब तो हालत यह है, सच्ची बात यह है कि भी जो बहुत बहुत ही हमारे माशरे में वो लोग जो 25-30 हज़ार 40 हज़ार भी तनख्वाह ले लेते हैं, इससे भी कम लेते हैं, वो भी कहते हैं सरकारी स्कूल के बजाय बोले औखे हो जाएँ सौखे हो जाएँ, भले 500 रुपये वाले स्कूल में डालें, वो सोचते तो हैं, देखते तो हैं, वो प्राइवेट में डालें। तो अब तो ये अब तरजीह नहीं रही। मैंने एक यूनिवर्सिटी के, एक सरकारी कॉलेज के जो बहुत बड़ा कॉलेज है, 1940 में बना था, तो उससे पूछा, उन्होंने कहा जी आप हमारे, मैंने कहा जी आपके एडमिशन का क्या हाल है, उसने कहा जी डाउन हो गया। अब वो हमें उतने बच्चे नहीं मिलते, बच्चे प्राइवेट में पसंद करते हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में या प्राइवेट कॉलेज में जाएँ। तो ये हमने शायद, अगर मैं मेरी बात का कोई बुरा माने तो मैं माफ़ी चाहूँगा उससे, शायद हमने पुश किया है, एक दरवाज़ा बंद किया है और दूसरा दरवाज़ा हमने खोल दिया है। अब क्या पास ऑप्शन है, घर से आपने निकलना है या सरकारी। पहले ऐसा होता था ना कि बीए के बच्चों को या जिन्होंने एमफिल किया है, तब तक डिग्री नहीं मिलती थी जब वो एक क्लास को पढ़ा नहीं देते थे उसके, तो ये दोबारा से होना नहीं चाहिए। जी, पहली बात तो ये है ना कि जो पैसे, सबसे आपने शुरू में बात की है, अगर हमारी तरजीह होगी तो सब ठीक हो जाएगा, अगर हमारी तरजीह नहीं होगी तो फिर ठीक नहीं हो सकता। तरजीह, तालीम, सेहत, ये हमारी तरजीह अगर होगी, उस पर 2.8 की बजाय 20% हम खर्च करेंगे तो हो जाएगा जी। अच्छा सर मंगर साहब, अब ये बताइएगा कि अब आप क्या देख रहे हैं कि ये तो आप लोग जिस तरह आपने कहा कि अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कोई भी एनजीओ हो उसके पास, गवर्नमेंट लेवल पर बजाय प्राइवेट स्कूल्स पे जाने के, अगर गवर्नमेंट ही अपने सरकारी इदारों का स्टैंडर्ड इतना हाई कर दे तो इतनी भारी भरकम फीसेस देने ही ना पड़े। इससे पहले जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं या आपके टाइम में जो स्कूल से, वो सारे सरकारी इदारों से निकले हैं लोग। आपकी बात दुरुस्त है, मैं तो कहता हूँ जी आप इससे भी पहला कानून छोटा सा कर लें, ज़रा जो अपना फीस स्ट्रक्चर आपने सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का बना दिया ना, ज़रा उसको भी अपनी इकोनॉमी के मुताबिक कर लें। क्या मतलब कोई है जो 1 लाख रुपये फीस सेमेस्टर दे सकता है,
भले वो UET हो या पंजाब यूनिवर्सिटी हो या कहीं भी हो, 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक। अगर हॉस्टल में रहता है तो 15,000-20,000-30,000-25,000 रुपये उसका हॉस्टल खर्चा। अब ये कौन अफोर्ड कर सकता है? वही कर सकता है जिसकी कोई 1,00,000 रुपये तनख्वाह होगी। तो 1,00,000 रुपये तनख्वाह वाले की परसेंटेज हमारे यहाँ तो 0.1% भी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में टोटल हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी तादाद 1.98% बच्चे हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम दुनिया की मोस्ट यंग नेशन है और हमारे 68% जो बच्चे जो है ना 60% प्लस वो नौजवान हैं। बिगर वो नौजवान है तो फिर उनको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, तो वो कहाँ हैं? वहाँ तो सिर्फ 2% है। और वो कितने हैं जो मैट्रिक के बाद आगे नहीं जाते, FSC के बाद नहीं जाते, ग्रेजुएशन के बाद नहीं जाते? और उनके ना जाने में सबसे बड़ी रुकावट जो है नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, और उसके साथ साथ वो फीस है, वो बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं करते। यानी मैं ये रिकॉर्ड पर बात लगाने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने 1976 से 77 से 81 तक टेक्सटाइल कॉलेज फैसलाबाद में पढ़ा, जो अब नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है। अब यकीन करें 1,000 रुपये दाखिल होते दिया था और 1,000 रुपये फारग होने वाला दिया था। इस 4 साल में पूरी तालीम, स्पोर्ट्स, हॉस्टल, हॉस्टल की बिजली, पानी, हर चीज़ जो है वो हमें फ्री मिली। और मतलब मैं 2,000 रुपये के अंदर वो डिग्री कर लिया है। मेरे 120 रुपये मुझे स्कॉलरशिप मिला सरगोधा बोर्ड से, मैं FSC नंबर की वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप ने सवाए रोटी के मेरा कोई और खर्चा दिया। अच्छा सर, एक और भी तो मांगट साहब है, उस वक्त उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता होता था, बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अखराजात अक्सर टीचर्स जो थे उनको फ्री पढ़ा कर उनको आगे लेके जाया करते थे, ट्यूशन अखराजात भी उठा लिया करते थे। अब आपको नहीं लगता कि ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं कमर्शियल हो गया है, तो उसकी वजह से तालीमी मेयार तो गिरा ही गिरा है, इस रिश्ते की कदर में भी कहीं ना कहीं कमी देखने में आई है? आपकी बात दुरुस्त है। तारीख के अंदर कभी भी तालीम बतौर कारोबार कभी भी नहीं रही। यानी यहाँ पे अगर अंग्रेज भी रहे, जब उन्होंने ये तमाम यूनिवर्सिटीज बनाई तो उस वक्त भी ये उस वक्त होते थे, आज भी यूरोप में है कोई एक आध बहुत माइनर सा कोई बहुत ही एलीट क्लास के लिए भी उन्होंने बना दिया, लेकिन तालीम मुसलमानों के दौर में भी ये तो वो आप समझते थे कि भी लोग एजाज समझते थे कि मैं उस्ताद हूँ, मैं किसी को पढ़ाता हूँ और ये मेरे शागिर्द हैं। और ये भी दिलचस्प बात है कि जो पहले डिग्री मिलती थी उसमें वो कॉलेज का नाम नहीं होता था, उसमें जो होता था कि ये इस बच्चे ने फलां आदमी से अपनी फ़िक्र की, हदीस की या फलां तालीम जो है वो मुकम्मल की, उस्ताद का नाम उस डिग्री पे के ऊपर लिखा होता था। तो कहने का मतलब ये कि ये तो था ही नहीं, ये तो चीज़ जो है अभी आपके इसी पिछले समझे कि पाकिस्तान में तो ये 10-15 साल से है। अब ये क्योंकि इतना नफा बख्श बिजनेस बन गया है और एक चेन जो है वो पहले एक स्कूल बनाती है फिर उसमें 10 और बन जाते हैं, और आज के वो तारीख दौर के अंदर आप ये सिर्फ चंद साल में, आज के डेटा भी आपको जो बताएगा, मेरा ख्याल मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि भी इस वक्त 50% के करीब बच्चे जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्राइवेट में पढ़ते हैं, स्कूलों में तो ये तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा है। वरना आपको याद है यहाँ तो लोग शौक से कहते थे मैं सेंट मार्टिन का पढ़ा हूँ मैं, बिल्कुल यही वजह है ना कि तालीमी गिरावट हमारी इस कदर हो चुकी है। इसकी वजह यही है कि जब तालीम आपकी बजाय तालीम के ज़रिए रोज़गार और ज़रिए कमर्शलिज़म बन जाए तो फिर वही हाल होता है जो हमारा हो रहा है, और फिर उस पर सितम बालाए सितम ये है कि हुकूमतों की तरजीहात में भी ये हिस्सा ही नहीं है उनका, और इसी वजह से हम शायद तालीम में बहुत पीछे हैं। तालीम और सेहत तो हमारी तरजीहात में है ही नहीं। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद बात करते हैं जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म व सितम ढाया जा रहा है, लेकिन सलाम है फ़लस्तीनी कौम को कि वो डट कर खड़े हैं, इसराइली मजालिम का मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी जानब इसराइल की जानब से बाकायदा तौर पर ऐलान जंग कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर सूरत हाल ये है, एक वीडियो देखी ऐसी दिल दुखाने वाली वीडियो थी जिसमें एक नर्स है और वो सारा दिन जो कि इस जंग में जो ज़ख्मी आते हैं उनकी मरहम पट्टी में मसरूफ़ रही है, उनकी मरहम पट्टी करती थी, और उसके बाद उसे अचानक ख़बर मिलती है कि एयर स्ट्राइक इज़राइल की जानिब से की गई है जिसमें उसका बाप और शौहर दोनों शहीद हो गए हैं। ये छोटी बच्ची है, साथ बच्ची सारा अहवाल बता रही है कि उसने अपनी बहन को घबरा कर उठी है जब एयर स्ट्राइक हुई है, घर के शीशे, दरवाजे, खिड़कियां सब टूट चुके थे, और फिर हमने अपने फैमिली मेंबर्स को चेक करना शुरू किया, उनको गिनना शुरू किया कि सब ठीक है, और उसके बाद मैंने अपनी बहन को देखा और वो मुर्दा थी। लेकिन इस तमाम तर मामले में ये जो इसराइल की बर्बरियत है, अक्वामे मुत्तहिदा का, वेस्ट का, इतना ये डुअल फेस हमें सामने आता है
कि आपकी नज़र में उन लोगों की जान की कदर ही नहीं है क्योंकि वो फलस्तीनी है, क्योंकि वो मुसलमान है, और हर घर एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। 1,23,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। वो और बिल्कुल ये उन्होंने गजा पट्टी को फारिग करने का है, और ये गजा पट्टी के साथ रहने वाले ये तमाम लोग हैं। और फिर जो अक़वामे मुत्तहिदा के स्कूल्स बनाए गए हैं तकरीबन 80,000 से ज़ायद, वहाँ पर ये सारे लोग जो हैं वो पनाह ले रहे हैं, लेकिन पता कोई नहीं है कब इसराइल की एयर स्ट्राइक वहाँ पर भी हो जाए। और मुसलसल एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने इनको सफ़ाए हस्ती से मिटा देना है, लेकिन फ़लस्तीनियों की इस्तकामत आप देखें, वो कह रहे हैं कि इससे पहले कौन सा हम पीस के साथ आपने हमें रखा हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी जेल फ़लस्तीन को कहा जाता है, सबसे बड़ा घेरा जो है इसको फ़लस्तीन को कहा जाता है, तो उनके लिए तो फिर भी कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें फेस कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से फ़लस्तीनी लोगों ने बिल्कुल रिसोर्सेज के बग़ैर जो भी उनके पास हथियार थे, गुलेल थी या जो भी छोटे मोटे हथियार थे, जिस तरीके से इसराइल की बर्बरियत का उन्होंने मुकाबला किया है, और जिस तरह इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बनाया है, जितना भी ये सारा गरूर था इसराइल का वो मिट्टी में। अच्छा, अब ये देखें वेस्ट कैसे इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। आप अमेरिकन लॉबी देख लें, उन्होंने अपना जो बहरी बेड़ा है वो भेज दिया है कि वो इनको दिफाई कुव्वत फराहम करेगा। उसके बाद आपके जितने भी इंग्लैंड है, ये तमाम ममालिक जो वेस्ट के हैं वो इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन 54 से ज़्यादा हम मुस्लिम ममालिक हैं, हम मुस्लिम ममालिक कहाँ खड़े हैं, कंडेप कर रहे हैं, बल्कि यूएई की जानिब से तो बाकायदा फ़लस्तीन के जो उन्होंने एयर स्ट्राइक की है और जो टारगेट किया गया है इसराइली आबादी को, इसराइली आबादी नहीं बल्कि वहाँ पर जो लड़ रहे हैं जंग फौजियों को, उसको कंडेम किया गया है। तो मुस्लिम ममालिक कहाँ पर खड़े हैं, किस किस्म की हरकतें मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं? OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये किस मरज की दवा है? 58 इस्लामी ममालिक हर साल सेशन करेगी, बस सिर्फ और सिर्फ यूनिटी ना होने का खमियाजा भुगतना पड़ता है हमारे लोगों को। अगर इस्लामिक ममालिक भी इकट्ठे हो जाएं तो शायद ये रिएक्शन ना हो। मुसलमान मुल्क है, और फ़लस्तीन सिर्फ एक फ़लस्तीन नहीं है, ये हमारे ईमान का, हमारे अकीदे का हिस्सा है। मस्जिद अल अक्सा हमारा किबला अव्वल है, तो इसके लिए तो मेरा ख्याल है मुसलमानों को 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठे हो जाना चाहिए, आपसी इख्तलाफ भुला कर, क्योंकि ईरान हो या सऊदी अरब हो, मस्जिद अक्सा का तकद्दस और एहतराम तो सबके लिए पहला बैतुल मक़द्दस है हमारा। एग्जैक्टली, और इसका हमें खुद हिफाजत करनी है, वरना तो कोई भी आकर जो है वो इस पर कब्जा कर सकता है। कमिंग फॉरवर्ड, अभी जो नेक्स्ट स्टोरी है हमारी, तो हम अपने रवैयों की बात कर रहे हैं ना कि मुस्लिम ममालिक ने क्या किया, ये मुस्लिम ममालिक के अंदर ही किस किस्म की हरकतें हो रही हैं, ये अभी हमारे जो माशरती रवैये हैं जी, ये वाकया पेश आया है, सोशल मीडिया पर आपकी नज़र में आया होगा, ये बूढ़ा शख्स आप देख रहे हैं, इस बूढ़े शख्स को इसी की औलाद ने मारा पीटा है। ये फुटेज में आप देखिएगा कैसे दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है उसकी, कैसा बुजुर्ग शहरी है। जायदाद के तनाजे पर इस सफाक और बदकिस्मत बेटे ने अपने बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसका सर फाड़ दिया। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि हमारी पस्ती की कोई मिसाल नहीं। अच्छा, किस चीज की जायदाद, वो क्या लिखवा कर लाया है, क्या मतलब जायदाद, अगर या उसने खुद बनाई, खुद बनाई है, अगर तो उसने खुद बनाई है तो समझ भी आता है, वो बीच में औरत है, एक माँ है, बहन है, कौन है, बीवी है, वो बचाने की, लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इस शख्स को देखिए किस किस्म का दरिंदा है कि वो बाप जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिसने उसको कंधे पर बिठा कर, जिसने खुद जो है वो छाव में इस बच्चे को चलाया, खुद धूप में चला है और सैर करवाई है कंधे पर बिठाकर, खुद चाहे पता नहीं कितनी रातें भूखा सोया हो, कि जायदाद के लिए, जायदाद के लिए अपने बाप को, बूढ़े बाप को उस बदकिस्मत बेटे ने पाक पतन में तशद्दुद का निशाना बनाया। DPO ने भी एक्शन लिया है, और मेरा ख्याल है कि इसको भी एक मिसाल बनाना चाहिए है कि आप इस हद तक चंद टकों के लिए गिर सकते हैं कि अपना बाप जो आपको इस दुनिया में लेकर आया है उसके साथ आप इस तरह का रवैया, बल्कि इसके खिलाफ तो खुद कंप्लेन होनी भी चाहिए। इस पर नोटिस भी लिया है DPO ने, थाना सिटी पाकपतन में जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लेकिन अगर इस एक शख्स को आप इबरत का निशान बनाएंगे ना, तो बाकी तमाम जो बाप हैं, माँ बाप हैं, उनकी इज्जत महफूज रहेगी। इस मुआशरती रवैये तक हम पहुँच चुके हैं जिस पर सर शर्म से झुक जाता है। कल आपसे मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।